चित्ताकर्षक हिमालय के विस्मयकारी और जोखिम भरे भूदृश्य में एक युवा भिक्षु परम सत्य की खोज में अकेले विचरण करने निकल पड़ा। इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने वाले गहन ध्यान और योग के अभ्यास के माध्यम से न केवल उसने सत्य की खोज की बल्कि अपने जीवन का प्रयोजन भी जाना। लगभग 4 दशक पहले दक्षिण भारत के तामशी नामक एक छोटी सी गांव में किसानों के एक धर्मपरायण परिवार से संबंध रखने वाले दुंडप्पा और शिवक्का नामक दंपति का गच्चिन मठ के श्री मरुल शंकर शिवयोगी नामक एक प्रबुद्ध संत ने पवित्रीकरण किया। शिवक्का ने उनके मार्गदर्शन में गर्भ दीक्षा संकल्प लिया, जिसके अंतर्गत शिवक्का को अपने अगले पुत्र को सन्यासी बनाना था। शिवक्का को एक महामंत्र से दीक्षा दी गई, जिसका जाप उन्होंने अपनी पूरी गर्भावस्था के दौरान पूरे उत्साह के साथ किया। इस प्रकार एक पूर्णिमा की रात जन्म हुआ वचनानंद का। वह जो वचन निभाता है, वह जो इस विश्व में कल्याण का प्रसार करता है। अबोध बाल्यकाल में भी वचनानंद में योगियों वाले लक्षण दिखाई देते थे। दया और उदारता उनके चरित्र के अभिन्न अंग थे। मात्र 8 वर्ष की अल्पायु में संकल्प पूर्ति के लिए वचनानंद को गच्चिन मठ को सौंप दिया गया। इस प्रकार दुंडप्पा और शिवक्का ने भारी हृदय के साथ अपने पुत्र को विदा किया। श्री मरुल शंकर शिवयोगी ने उन्हें विभिन्न योग तकनीकों और बुद्धिमत्ता सीखने के लिए कई अन्य मठों में भेजा। लौटने पर वचनानंद दीक्षा संस्कार पाकर स्वामी वचनानंद हो गए। अभी बस तरुणाई तक पहुंचे स्वामी वचनानंद लोगों के विशाल समूहों को धर्मोपदेश देने लगे। उनकी उपलब्धियों के कारण जल्द ही लोगों ने उन्हें मठाधीश घोषित कर दिया, पर उन्हें अंदर से एक अपूर्णता और खालीपन का एहसास होता था, क्योंकि वे और बहुत कुछ प्राप्त करने के लिए ललायत थे। उथल पुथल की इस अवस्था में एक योगी की आत्मकथन एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी और हिमालय के सिद्ध योगियों संघ निवास लिविंग विद द हिमालयन मास्टर्स नामक 2 पुस्तकों ने उनका आगे का पथ प्रशस्त किया। 16 वर्षीय स्वामी वचनानंद ने समाज में अर्जित अपना पद त्याग दिया और अपने जीवन एवं अस्तित्व के पीछे के सत्य की खोज में भ्रमण आरंभ कर दिया। बिना किसी पूर्व निर्धारित गंतव्य के स्वामी वचनानंद नाम के इस रमते जोगी ने अनजाने मार्ग की यात्रा आरंभ कर दी। उन्होंने उज्जैन, नासिक, प्रयाग, इलाहाबाद, वाराणसी, हरिद्वार और आध्यात्मिक महत्ता वाले कई अन्य स्थानों का भ्रमण किया और अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में कई योगियों व मनीषियों से भेंट की। नियति उन्हें ऋषिकेश ले गई, जहां उन्होंने हिमालय के स्वामी राम के शिष्य स्वामी वेद भारती के मार्गदर्शन में योगिक विज्ञान का सुव्यवस्थित अध्ययन किया। इस क्रम में स्वामी वचनानंद ने 108 दिन तक मौन व्रत का कड़ाई से पालन किया और उन्हें स्वामी वेद भारती द्वारा 3 स्तरों की दीक्षा से सम्मानित किया गया। अकादमिक उत्कृष्टता प्राप्त करने के बाद उन्होंने आश्रम में अध्यापन आरंभ कर दिया। स्वामी वचनानंद यहीं पर नहीं रुके, क्योंकि वे अध्यात्म की खोज में थे। स्वामी वचनानंद ने कठिनाई भरे हिमालयी भूदृश्य की वर्षों यात्रा की और उससे एकाकार हो गए। हिंदू धर्म ग्रंथों में ईश्वर का धाम माने जाने वाले हिमालय में 0 से कम तापमान और ऑक्सीजन की कमी के बीच यह भगवाधारी योगी उत्तरों की खोज में गुफाओं के अंदर ध्यान करने बैठता और अन्य मनीषियों, भिक्षुओं और संतों से प्राप्त श्री विद्या के ज्ञान अर्थात यंत्र,
मंत्र और तंत्र का अभ्यास करता। ऐसे मोड़ पर अपने परम प्रिय गुरु श्री मरुला शंकर शिव योगी के आदेश पर स्वामी वचनानंद अपनी जड़ों दक्षिण भारत की ओर वापस चल पड़े। प्रारब्ध द्वारा नियत इस भेंट के 3 माह के अंदर 100 वर्षीय गुरु श्री मरुला शंकर शिव योगी समाधिस्थ हो गए। अपने परम पूज्य गुरु के देहावसान के बाद स्वामी वचनानंद ने लोगों के जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाने की दिशा में योगिक जागरूकता के प्रसार के उद्देश्य से अपना स्वयं का अभियान आरंभ किया। लोग तत्काल ही संत की बुद्धिमत्ता प्राप्त कर चुके इस युवा भिक्षु के साथ एकत्र होने लगे। लोगों के बीच उसकी लोकप्रियता ने मीडिया का ध्यान खींचा और जल्द ही स्वामी वचनानंद को आध्यात्मिक श्वास पर अपनी निर्विवाद प्रवीणता के कारण श्वास गुरु की उपाधि मिली। विश्व विख्यात आध्यात्मिक सिद्ध योगियों और विश्व भर की प्रसिद्ध हस्तियों ने युवा श्वास गुरु की उपलब्धियों को सराहा। उन्होंने अपने प्रेम एवं आशीषों की वर्षा भी की और उनके विद्यादान अर्थात आध्यात्मिक ज्ञान के प्रसार के अभियान को पूरे मन से समर्थन दिया। श्वास गुरु स्वामी वचनानंद ने बेंगलुरु में श्वास योग संस्थान स्थापित किया। लोगों को व्यक्तिगत रूप से प्रशिक्षित करने और उनकी तनावपूर्ण जीवन शैली से उत्पन्न पीड़ाओं से उन्हें मुक्ति दिलाने के लिए श्वास योग संस्थान नियमित योग कक्षाएं, योग अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, हिमालय में योग ध्यान एकांतवास, तृतीय नेत्र प्रबोधन एकांतवास, उपचारात्मक योग पाठ्यक्रम एवं मौन एकांतवास संचालित करता है। आज श्वास योग संस्थान योगिक ध्यान का दूसरा नाम बन चुका है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम का पूरी महिमा के साथ यशगान किया जाता है। श्वास संस्थान योग रत्न पुरस्कारों के माध्यम से श्रद्धेय व्यक्तित्वों के प्रयासों को प्रोत्साहित भी कर रहा है। इस समय योग स्वास्थ्य एवं कुशल क्षेम के क्षेत्र में योग रत्न विश्व का सर्वोच्च सम्मान है। पूरे विश्व को योगमय बनाने की अपनी आकांक्षा के साथ श्वास गुरु पूरे विश्व की यात्रा कर रहे हैं और विश्व को योगिक आध्यात्मिकता के माध्यम से एक अधिक प्रसन्न जीवन जीने के लाभों के बारे में सिखाने की दिशा में अनवरत प्रयास कर रहे हैं। वे आपको कुशल क्षेम की एक ऐसी यात्रा पर अपने साथ ले जाना चाहते हैं। आइए इस यात्रा का, जीवन बदलने वाले इस अनुभव का भाग बनिए। हिरण्य गर्भादारब्धम् शेष व्यासादि मध्यमाम् श्वास गुरु वंदे गुरु पर
वंदे गुरु पर।